हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लोरिकल्चर विद अभिनव। आई एम अभिनव कुमार, रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम ए एंड यू टू अयोध्या। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बोनसाई। हम जानेंगे आज की बोनसाई कहाँ से आया है, क्या है और कैसे कैसे इसको तैयार किया जाता है और इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। बोनसाई से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और क्या उनका आंसर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोनसाई। द वर्ड बोनसाई इज ड्राइव फ्रॉम चाइनीज पेंजाई एंड पेंजिंग एंड इन जापानीज बोन मीन्स ट्रे और सैलो पार्ट्स एंड द साई मीन टू ग्रो विच इज ट्रांसलेटेड एज ट्रे प्लांटिंग। बोनसाई शब्द चीन की पेंजाई व पेंजिंग से है तथा जापानीज भाषा में इसे बोनसाई कहते हैं। बोनसाई दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बोन प्लस साई। बोन का मतलब होता है उथला बर्तन या तस्तरी नुमा और साई का अर्थ होता है उगाना। तो इस पद्धति को ट्रे प्लांटिंग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, बोनसाई से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये मिलने वाला है हर एग्जाम में, हर जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बोनसाई इज ओरिजिनेटेड इन, बोनसाई की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा चाइना, जापान, इंडिया, नन ऑफ दिस। चाइना जापान मैक्सिमम रखा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और लोग इसको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बोनसाई इज ओरिजिनेटेड इन चाइना। बोनसाई की उत्पत्ति जो है वो चाइना में हुई थी, 1133 AD में की गई थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तीन पॉइंट हमको जापान से ही रिलेटेड मिलेंगे, जो है जापानीज क्लेम्स इट्स ओरिजिनेटर्स जापान रीच्ड हाइट्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय जापानीज इन 17th century। इन जापान हार्डली टू सी एनी हाउस विदाउट बोनसाई। तो इसका कहने का मतलब ये कि जापानीज लोगों ने सबसे पहले दावा किया था कि वो बोनसाई के ऑरिजिनेटर हैं, मतलब उत्पत्ति करता है, बट उसका उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और चाइना को ही दे दिया गया। जापान 17वीं शताब्दी में जापानीज बोनसाई द्वारा लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और जापान में एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां बोनसाई ना हो। हर एक घर में छोटा बड़ा चाहे जो होगा लेकिन एक बोनसाई आपको जरूर मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रेजेंट टाइम बोनसाई आर यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन इन डिमांड। आज के समय में लोग अपने घरों की सजावट घर में अंदर लाइव प्लांटिंग मटेरियल्स को रख के करते हैं जिससे घर और भी सुंदर होते हैं। तो इन सब को सजाने के लिए आजकल बोनसाई का भी बहुत यूज किया जा रहा है, जो कि इस ग्रेट डिमांड में है और जिसने इसकी डिमांड को इंक्रीज भी किया है। इन नेक्स्ट पॉइंट, इन बोनसाई केमिकल फर्टिलाइजर आर गुड न्यूट्रिशन। केमिकल फर्टिलाइजर गुड न्यूट्रिशन इसलिए है क्योंकि ये इंस्टेंटली पौधे को मिल जाता है और पौधे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर को गुड न्यूट्रिशन बोनसाई का माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बोनसाई। बोनसाई के क्या सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बोनसाई दो होता है, एक फॉर ब्यूटिफिकेशन, एक दूसरा उनकी एज को एनहांस करने के लिए। फॉर ब्यूटिफिकेशन में क्या होता है, स्मॉल लीव्स, शॉर्टर इंटरनोड्स, अट्रैक्टिव बार्क एंड रूट्स एंड ब्रांचिंग ऑफ करेक्टर्स, मतलब कि प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होनी चाहिए। शॉर्टर इंटरनोड्स मतलब उनकी जो इंटरनोड होता है वो छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव बार्क होना चाहिए, आकर्षक बार्क होना चाहिए, ब्रांचिंग करेक्टर्स और खूब ढेर सारे ब्रांचेस निकालने वाले होने चाहिए। और सेकेंड पॉइंट में टू द इनहांस द एज एक्सपोज ऑफ 1/3 ऑफ द रूट। तो इसमें क्या होता है, बिफोर पॉटिंग एंड मतलब जो पॉटिंग से पहले जो रूट्स टेढ़ी होती हैं, सीन तिरछी होती है, उनको कॉपर वायर के थ्रू बांध के सीधा किया जाता है और उन रूट्स को उन पॉट्स के अंदर बांधा भी जाता है। प्लांट्स को कॉपर वायर से इसलिए बांधा जाता है ताकि प्लांट उस पॉट्स के अंदर स्टेबल बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज अपर ब्रांचेस शुड नॉट ओवर शैडो द लोअर ब्रांचेस। बोनसाई को तैयार करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है ताकि बोनसाई की ऊपर की जो ब्रांचेस है उनकी परछाई नीचे की ब्रांचेस पे ना पड़नी पाए और पूरे प्लांट को हर डायरेक्शन से आराम से सनलाइट मिल सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैटेगरीज ऑफ बोनसाई, ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है
और बोनसाई के जो कैटेगरीज होते हैं वो चार होते हैं। एक पहला जो होता है मिमी, सेकंड स्मॉल, थर्ड मीडियम, फोर्थ लार्ज होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फर्स्ट है मेमी, मेमी का साइज जरूर पूछा जाएगा। मेमी का व्हाट इज़ द साइज ऑफ मेमी, तब उसमें आपको इंचेस में, मीटर में, सेंटीमीटर्स में, आपको हर तरीके से फंसाने के लिए ऑप्शंस को, साइज को चेंज कर दिया जाता है। जो मैंने फर्स्ट देख सकते हैं 2 से 6 लिखा है वो इंचेस में है, और बाकी ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वही सेंटीमीटर में है। 5 से 15 सेंटीमीटर हाइट होती है मेमी बोनसाई की। स्मॉल बोनसाई की 6 से 12 इंचेस में होती है, वहीं सेंटीमीटर में बात करें तो 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है। और थर्ड पॉइंट होता है मीडियम साइज का बोनसाई, जिसकी 12 से 24 इंच की साइज होती है और सेंटीमीटर में 30 से 60 सेंटीमीटर का होता है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, लास्ट पॉइंट की, जो होता है लार्ज बोनसाई हमारा, जो 24 से 60 इंचेस का होता है और सेंटीमीटर में 60 से 152 सेंटीमीटर का होता है, जो सबसे ज़्यादा लार्ज होता है। कहीं कहीं एक इम्पीरियल नाम से भी जाना जाता है बोनसाई, वो 152 सेंटीमीटर से भी ऊपर होता है, बट वो आपके किताबों में नहीं है, कहीं नहीं है, वो वेबसाइटों पे आपको मिल जाएगा। बोनसाई आप खरीदने जाएंगे तो वो अपना साइज बताते हैं, बट वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं भी आपको उनका कोई भी जानकारी नहीं मिलेगा कि उसका एक्यूरेट साइज क्या है, एक्यूरेट क्या है, बट उसको ये बोलते हैं कि ये हमारा इंपीरियर बोनसाई है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टाइल ऑफ बोनसाई। स्टाइल ऑफ बोनसाई में बोनसाई के बहुत तरह के स्टाइल्स होते हैं, जिनमें से मेनली कुछ स्टाइल्स हैं, ये 12 स्टाइल जो आप देख सकते हैं। फॉर्मल अपराइट स्टाइल, इनफॉर्मल अपराइट बोनसाई स्टाइल, लीनिंग ट्रंक स्टाइल, विंड स्वीप स्टाइल, ब्लूम स्टाइल, कस्केड स्टाइल, मल्टी ट्रंक स्टाइल, राफ्ट स्टाइल, वुडन लैंड स्टाइल, ट्विस्टेड ट्रंक स्टाइल, ऑन द रॉक्स, मेमो बोनसाई, मिनी बोनसाई, डिस्क बोनसाई, बहुत ही तरह के होते हैं। और इनमें से कुछ जो होते हैं इम्पॉर्टेंस है, जैसे फॉर्मल अपराइट स्टाइल, इसमें जो बोनसाई होता है इसका जो ट्रंक होता है वो सीधे ऊपर की तरफ होता है, जिसमें कोई भी ब्रांचेस टेढ़ी मेढ़ी तिरछी मिर्ची कुछ भी नहीं होती है। इनफॉर्मल अपराइट बोनसाई स्टाइल, इस टाइप के बोनसाई में जो उसका डिज़ाइन होता है वो एस शेप के आकार का होता है, और इसमें हर टर्न पे एक ब्रांचेस को ग्रो किया जाता है, जिससे कि यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो लीडिंग ट्रंक स्टाइल। विंड ब्लोइंग इज वन डोमिनेंट डायरेक्शन ओवर व्हेन अ ट्री ग्रो इन अ शैडो एंड मस्ट बेंड टूवर्ड द सन, द ट्री विल लीन इज वन डायरेक्शन एट ए 60 to 80 degree रिलेटिव टू द ग्राउंड। मतलब कि इसमें जो प्लांट होता है बोनसाई, वो हमारा तेज हवा या सूर्य के प्रकाश की कमी या बड़े पौधों की छाया आने की वजह से सूर्य के डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और जो डायरेक्शन में वो मुड़ता है वो 60 से 80 degree का होता है, जिसकी वजह से यह देखने में सुंदर लगता है तथा तिरछा भी होता है। इसमें जो प्लांट होता है इसकी रूट्स अनडेवलप्ड होती हैं। कैस्केड बोनसाई स्टाइल, इट्स नोन एज केंजाई, अ लिविंग ट्री इन ए नेचर ऑन ए स्टिप क्लिफ, कैन बेंड डाउनवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक स्नो और फॉलिंग रॉक्स, दीज फैक्टर्स कॉसेस द ट्री टू ग्रो डाउनवर्ड। विद बोनसाई इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेंटेन ए डाउनवर्ड ग्रोइंग ट्री बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ अपोजिट द ट्री नेचुरली टेंडेंसी टू ग्रो अपराइट। कैस्केड बोनसाई स्टाइल, कैस्केड बोनसाई स्टाइल को केंजाई भी कहा जाता है। इस कैस्केड बोनसाई स्टाइल नेचुरली होती है। इस स्टाइल में जब हिली एरियाज पे स्नो उसके ऊपर गिरती है या रॉक्स गिरते हैं तो प्लांट नीचे की तरफ बैंड हो जाता है, और उसको मजबूरी होती है नीचे की तरफ ग्रो करने की, बट इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि जो ग्रोइंग मूवमेंट होता है वो अपवर्ड होता है, सन डायरेक्शन की तरफ होता है, और इसी वजह से इसको, इस स्टाइल को अपनाने में, बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट स्टाइल इज मल्टी ट्रंक बोनसाई स्टाइल। इन दिस स्टाइल 3 or more ट्रंक्स आर अलाउड टू ग्रो, ऑल ट्रंक ग्रो आउट ऑफ अ सिंगल रूट सिस्टम एंड इट इज ट्रूली इज अ वन सिंगल ट्री, ऑल द ट्रंक फ्रॉम वन क्राउन ऑफ लीफ इट विच द थिकनेस एंड मोस्ट डेवलप्ड ट्रंक फ्रॉम द टॉप। मल्टी ट्रंक स्टाइल में पेड़ के ट्रंक से 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस को ग्रो किया जाता है, और इसमें एक ऊंचाई का
पैटर्न बनाया जाता है जिससे एक मुकुट क्राउन का आकार बनता है और इसीलिए इसको क्राउन बोनासाई भी कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ बोनासाई। बोनासाई को ट्रेन और प्रूनिंग करने का क्या पर्पस होता है? फर्स्ट पॉइंट इज फॉर गुड अट्रैक्टिव शेप ऑफ प्लांट, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय रेगुलर ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग। इन वन ट्रिमिंग नॉट मोर देन 1/3 पोजिशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स आर कट्स। जो इसमें पहला पॉइंट है उसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग इसलिए की जाती है ताकि जो हमारा बोनासाई है उसका जो अट्रैक्टनेस है वो अच्छा आए और देखने में अच्छा लगे, क्योंकि वो जितना ही अच्छा बनेगा उसका हमें उतना ही अच्छा दाम मिलेगा। और प्लांट को रेगुलर ट्रिमिंग प्रूनिंग करके उसकी ग्रोथ को छोटा बनाए रखा जाता है, या उसको एक जो आकार हमने दिया है उसी आकार में ही रखना होता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है। और जब प्लांट की हम लोग ट्रिमिंग प्रूनिंग करते हैं तो उसमें 1/3 पोर्शन मतलब 1/3 से ज़्यादा प्लांट की रूट्स और शूट को नहीं काटना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम उसकी रूट्स को काटेंगे छाटेंगे तो उसमें से प्लांट के हमारे डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बोनासाई। ऑलवेज यूज नेचर ग्रीन प्लांट फॉर बोनासाई। प्लांट ऐसे हमें सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें डॉर्मेंसी या सुसुप्ता अवस्था नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा हरे रहने चाहिए, उनमें हमेशा पत्ती आना चाहिए, उनमें हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इन बोनासाई ऑलवेज यूज अर्दन पॉट्स फॉर बेटर एरिएशन। इसमें सेकेंड पॉइंट का कहने का मतलब है कि जब हम भी बोनासाई को लगाते हैं तो उसमें जो हम लोग पॉट्स को या कंटेनर्स को का जो यूज करते हैं वो मिट्टी के बने होने चाहिए जिससे उनके अंदर हवा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बना रहता है और प्लांट्स को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। इन थर्ड पॉइंट फरवरी मार्च एंड जुलाई अगस्त इज आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग बोनासाई। फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है वो बोनासाई बनाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर आपको बोनासाई बनाना हो तो इसी टाइम में बोनासाई बनाना चाहिए। तो जिस नेक्स्ट पॉइंट फॉर टाइम कॉपर वायर शुड बी यूज्ड। ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वायर यू आर यूज्ड फॉर टाइम बोनासाई प्लांट। तो उसमें आपको ऑप्शन देगा आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो उसमें जो हम लोग तार जो टाई के लिए यूज करते हैं वो कॉपर का वायर यूज करते हैं। कॉपर का वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसको खोलना और बांधने में आसानी होती है और साथ में इसमें कभी कोई जंग नहीं आता है और कॉपर से कोई भी प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है, इसलिए कॉपर का ही वायर यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टू चूज प्लांट विद लार्ज लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऐसे प्लांट्स को नहीं चूज करना चाहिए जिनकी पत्तियाँ बड़ी हों, बड़े फूल आते हैं, बड़े फल आते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जब बड़े फल आएंगे तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है प्लांट का और हमारे प्लांट को डैमेज हो सकता है, इसलिए हमेशा छोटे फ्रूट्स, छोटी लीव्स और छोटे फ्लावर्स वाले प्लांट्स को ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चूज ऑलवेज लोकल कंडीशन सुटेबल प्लांट। ऐसे प्लांट्स को चॉइस करना चाहिए बोनासाई बनाने के लिए जो आपके कंडीशन, आपके वेदर के अनुकूल हो। ऐसे प्लांट्स को नहीं चूज करना चाहिए जो आपके वेदर में सर्वाइवल नहीं हो। और आपने मान लिया कि आप एक ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं और आपने एक टेम्परेट एरिया के प्लांट का बोनासाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, इसलिए हमेशा लोकल क्लाइमेट सुटेबल प्लांट्स को ही चूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीप बोनासाई ओपी एरी प्लेसेस। इसलिए किया जाता है कि प्लांट्स को हर तरफ से डायरेक्शन और हवा की जरूरत होती है, जितनी ज़्यादा वो ओपन एरिया में रहता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है। नेक्स्ट पॉइंट अ पिंच ऑफ बोन मील एंड सिंगल सुपर फास्फेट मिक्स इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। बोन मील और सिंगल सुपर फास्फेट को एक साथ मिला के प्लांट में बोनासाई में देने से उसमें अच्छी ग्रोथ होती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुटेबल प्लांट्स फॉर बोनासाई। यू कैन सेलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर मेकिंग बोनासाई। आप बहुत सारे पौधे हैं जिनका बोनासाई बना सकते हैं, जिनमें से कुछ प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स आर फाइकस स्पीसीज। यू कैन मेक बोनासाई सेवरल टाइप्स ऑफ फाइकस, किसनी फाइकस, लास्टिका फाइकस, बेलंगालिनसेस,
एंड मैनी मोर, ग्लोमोहर, अमलतास, एरोकेरिया, बम्बू, बूट, बॉटल ब्रश, बोगनवेलिया, एक्जोरा, मुराया, एक्जोटिका, हमेलिया पेटेंस, बादाम, पाउडर पर्फ, मैंगो, कैस्चू, मैनी मोर प्लांट्स यू कैन मेक बोनासाई। आप बहुत सारे पौधों का बोनासाई बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये यूफोर्बिया मेटेलिका का है। इसको मैंने बोनासाई बनाने के लिए ही अपने घर में उगाया है। इसमें इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है और इसको एक मैं हाइट तक लेके जा रहा हूँ। जब वो उस हाइट तक पहुँच जाएगा फिर मैं इसको ट्रिमिंग प्रूनिंग करूँगा और इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस को ग्रो करूँगा और फिर मैं इसका बोनासाई बनाऊँगा। फ्रेंड्स, ये है हमेलिया पैटर्न्स का प्लांट, इसका भी मैं बोनासाई बनाऊँगा। दोनों ही सेम एक जैसे ही बोनासाई बनाऊँगा। ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। फ्रेंड्स, आई हैव अ वन क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन इज, विच प्लांट इज नोन एज फेक बोनासाई? ऑप्शंस आर फाइकस इलास्टिका, फाइकस न्यूसीफोरा, फाइकस किसनी एंड लास्ट ऑप्शन इज डेजर्ट रोज। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका राइट आंसर है डेजर्ट रोज। डेजर्ट रोज को फेक बोनासाई के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको जानने में मजा आएगा। फेक बोनासाई डेजर्ट रोज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ट्रंक ग्रोथ होता है वो 1 ईयर में बहुत ही ज्यादा होता है। ये कभी कभी ये 5 से 8 सेंटीमीटर तक मोटा है। इसीलिए जब आप किसी प्लांट को बोनासाई को परचेस करने शॉप पे जाते हैं तो शॉप कीपर आपसे बोलता है दिस प्लांट इज 5 to 10 years ओल्ड एंड दिस प्राइस इज टू हाई। वो आपसे 5 से 10,000 तक चार्जेस करता है उस प्लांट के लिए और आपको इस चीज़ की कमी जानकारी नहीं होती है इसलिए आप उसको परचेस भी कर लेते हैं। तो इसीलिए यही एक कारण है जिसकी वजह से इसको फेक बोनासाई कहा जाता है एडेनियम को, जिसको डेजर्ट रोज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।